देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिखा दीजिए कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका नाम क्या देंगे, एबीसीडी ना, चलिए इसका नाम देते हैं एबीसीडी, है ना, ए बी सी डी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया है यहाँ पे कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबी पर कोई बिंदु पी लेकर, एबी पर कोई बिंदु यहाँ पी ले लेते हैं, और पी सी डी यानी कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि इससे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी जो होगा वो आधा हो जाएगा ना समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का आधा हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। चलिए यानी कि 1/2 ए बी सी डी का एरिया 40 हो जाएगा ना, यहाँ से आप काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर